बहुजन समाज पार्टी के मजबूत राज्यों में से गिने जाने वाले पंजाब में भी अब बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीएसपी की तरफ से कल देर रात अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गड्डी भी चुनाव लड़ेंगे। पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव बीएसपी पिछला चुनाव है आपको बता दें कि अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान बीएसपी की तरफ से किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट भी देर रात है वो जारी कर दी। हालांकि इस बार पंजाब की तरफ से काफी समय लगाया, लेकिन बीएसपी की तरफ से कल देर रात आपको बता दें कि प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी की गई प्रत्याशी सूची में प्रमुख नामों में जसवीर सिंह गड्ढी का है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बलविंदर सिंह का है, जो कि जालंधर से पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके और बीएसपी के कद्दावर मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के अंदर भी उन्हें अच्छी खासी संख्या में वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में भी वो नजदीक मुकाबले के अंदर चुनाव हार गए थे। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि बीएसपी पंजाब की तरफ से अपने प्रदेश की इकाई के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जो इस प्रकार है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पंजाब में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अमृतसर की सीट से विशाल सद्धू, जालंधर से एडवोकेट बलविंदर कुमार, फतेहगढ़ साहिब से कुलवंत सिंह महतो, बठिंडा से लखवीर सिंह निक्का, संगरूर से मकन सिंह, पटियाला से जगदीप सिंह छड़बड़, होशियारपुर से राकेश कुमार सुमन, फरीदाबाद से गुरबख्श सिंह चौहान, गुरदासपुर से राजकुमार जनोतराज, लुधियाना से देवेंद्र सिंह पन्नेसर, खंडूर से सतनाम सिंह और आनंदपुर साहिब से जसवीर सिंह गड्डी, फिरोजपुर से सुरेंद्र कजोब को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसके अलावा चंडीगढ़ लोकसभा सीट से बीएसपी ने डॉक्टर रीतू सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ जैसे सभी राज्यों के अंदर अपने लोकसभा के चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतार चुकी है और बीएसपी दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव मैदान में